दो कलर में राउंड शेप में हम एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना सीखेंगे जो बहुत ही इजी है और बहुत कम फंदों के साथ हम इसको बनाएंगे और उसके बाद भी बहुत प्यारा और बड़ा बनकर आएगा तो यहाँ पर मैंने इसके लिए दो तो कलर लिए हैं एक ये ग्रीन कलर लिया है एक ये पिंक कलर लिया है आप कोई से भी कलर से जो भी अपनी पसंद के कलर हैं उनसे आप इसको डोरमेट को बना सकते हैं और इसके लिए हमने यहाँ पर नौ नंबर की नीडल ली है अक्सर मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि मैम आप कौन सी नीडल का यूज़ करती हैं तो मैं यहाँ पर नौ नंबर की नीडल से पायदान बनाती हूँ वूल भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी थिक लेती हूँ अगर आपके पास इस तरह की वूल है आप उससे बना सकते हैं नहीं है तो आप पोल कोल भी डबल करके बना सकते हैं और इस पाय इन पायदान को जो भी मैं आपको बताती हूँ वो आपको वो आप पुरानी साड़ी या पुरानी चुन्नी के साथ भी इन पायदान को बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बराबर में आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरा काम पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टोरमेट को बनाना सीखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पिंक कलर से इसमें फंदे डालेंगे तो यहाँ मैं इसमें बीस फंदे डालूंगी देखिएगा फंदे हमें बिल्कुल सिंपल डालने हैं एक दो तीन चार पांच। जिस तरह से हमने पांच पंदे डाले हैं बीस पंदे डाल देंगे यहाँ पर यहाँ पर टोटल मैंने इसमें देखिए बीस पंदे डाले हैं ये देखिएगा और राइट साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे राइट साइड से स्टार्ट करते हुए देखिए एक पंदा हम बगैर पुनः उतारेंगे अब यहाँ पर हम देखिएगा इसमें पंदे उल्टे बुनेंगे ये पायदान हम उल्टी उल्टी सिलाइया बनाते हुए बनाएंगे तो यहां पर देखिएगा पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे सिर्फ लास्ट के पंदे को हमें सीधा बुनना है बाकी जितने भी पंदे हैं हम यहाँ पर ये उल्टे उल्टे बुनेंगे लास्ट का पंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई अब आ जाते हैं यहाँ पर देखिएगा उल्टी सिलाई में अब हम यहाँ पर अपना एक और कलर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ मैं ग्रीन कलर को जो मैंने ये सेकंड कलर लिया है इसको ऐड करते हुए यहाँ पर फंदे बनाऊंगी ये यह देखिए यहां से हम देखिए एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह पंदे हमने यहाँ पर बना लिए अब देखिए दो पंदे हम यहाँ पर बगैर बुने छोड़ देंगे सिलाई को यहीं से टर्न करते हुए आप यहाँ पर देखिए हम इन फंदों को फिर से यहाँ पर उल्टा बनाएंगे लास्ट पे ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है यहां से हम इन फंदों को उल्टा बनाते हुए जाएंगे धागा पीछे करेंगे और इस वाले फंदे को हम बुनेंगे नहीं इसको हम बग़ैर बुना उतार लेंगे इस तरह से लास्ट में उतारना है इसे बगैर बुना आपको इस फंदे को ध्यान दीजिएगा जब हम दो कलर से बनाते हैं तो हम लास्ट में फंदे को बगैर बुना उतारते हैं तो अब यहाँ से कलर को चेंज करेंगे पिंक कलर से अब हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह फंदे बुनने के बाद दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे सिलाई को टर्न करेंगे और इस सिलाई को भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे आप देखिए उल्टी सिलाई देखिएगा फिर से यहाँ पर कलर को चेंज करेंगे और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे सिलाई को यहीं से टर्न करते हुए ये सारे फंदे बुन लेंगे लास्ट के पंदे को हमेशा बगैर बुना उतारेंगे तो ये सलाई कम्प्लीट कर लेते हैं आप देखिएगा आप पिंक कलर से फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दो पंदे बगैर बुने छोड़ देंगे सिलाई को टर्न करते हुए इन पंदों को बुन लेंगे आप देखिए ग्रीन कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस पंदे बनाने के बाद दो पंदे बगैर बुने छोड़ेंगे सिलाई को टर्न करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे अब देखिए पिंक कलर से बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे सिलाई को टर्न करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे अब तो ग्रीन कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सिलाई को टर्न करते हुए इन फंदों को बुनेंगे अब यहाँ पर पिंक कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे सिलाई को टर्न करेंगे और देखिए एक दो तीन ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे अब अब देखिएगा ग्रीन कलर से एक तो दो फंदे बुनेंगे सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे दो फंदे बगैर बुनेंगे अब यहां पर देखिए ध्यान से एक फंदा और धागा पीछे करते हुए इस फंदे को हम बगैर बुना उतार देंगे अब यहां से देखिए हमारी एक कली ये कंप्लीट हो गई है देखिए इस तरह से हमारी देखिए एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस हमारी ये पलवाइ पलवाइज लाइन आई हैं यानी कि बीस सलाईयां बनी हैं बीस ही फंदे हमने रखे थे और बीस ही फंदों को हमने यहाँ पर दो दो करते हुए छोड़ दिया है अब देखिएगा अब हम अपनी कली अगली कली स्टार्ट करेंगे तो जैसे हमने यहाँ से बनाया था देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग अब हम यहाँ से पूरी सिलाई पिंक कलर से बनाएंगे और पूरी सिलाई को हम यहाँ से पिंक कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे जो भी फंदे हमने दो दो करके छोड़े थे वो सारे फंदे हमारे यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो जाएंगे सारे फंदे हमें बना लेने हैं यानी कि यहाँ पर हम देखिए इस तरह से फंदों को बना लेंगे अब ये वाली सिलाई देखिएगा ध्यान से इस सिलाई को हम पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे और पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे इसे प्लास्ट के फंदे को हमें देखिए बगैर बुना उतारना है बाकी जितने भी फंदे हैं हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे देखिएगा इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर ली तो यहाँ पर फिर से हम जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ग्रीन कलर से अब यहाँ से भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे यानी कि यहाँ से अट्ठारह फंदे बनाते हुए जाएंगे और दो 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 फंदे छोड़ेंगे इसी तरह से करते हुए दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर जैसे हमने ये कली बनाई है हम यहाँ पर इसमें बारह कलियाँ बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ इसे कंप्लीट करके तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसमें बारह कलियाँ बनाई हैं देखिएगा काउंट करें तो आप एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह कलियाँ बनाकर हमने इसको कंप्लीट किया है अब देखिए हम इसको बंद कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग जब हमने यहाँ पर दो दो करते हुए फंदे छोड़े हैं तो अब हम यहाँ पर इस में देखिएगा यहाँ से फंदों को बंद करेंगे देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ से हम इसमें देखिए ग्रीन कलर को तो हम यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि हमने पिंक कलर से यहाँ पर फंदे डाले थे ये देखिएगा तो पिंक कलर से हम इसको बंद करेंगे तो ग्रीन कलर को हम यहाँ पर देखिए इस तरह से धागे को यहाँ पर नॉट लगा देंगे और जो भी फालतू धागा हम यहाँ से इसको ग्रीन कलर के धागे को कट कर देंगे ये देखिएगा अब यहां से हम फंदे बंद करेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग देखिए यहां से सिंपल दो का एक करेंगे इसे ग्रीन कलर के धागे को भी अंदर इस तरह से ले लेंगे ये देखिएगा याद रखिएगा आपको फंदे जब बंद करने हैं जब आपके पास इस तरह से फंदे बच जाएं तब आपको यहाँ से फंदों को बंद करना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करते हुए मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सारे फंदे पिंक कलर से बंद किए हैं अब हम इसकी सिलाई करेंगे सिलाई के लिए मैंने यहीं पे धागा इस तरह से लंबा छोड़ दिया था और अब हम यहाँ से देखिए ध्यान से देखिएगा जहाँ से बिल्कुल आपको फर्स्ट फंदा नज़र आ रहा है आपको वहीं से बिलकुल सिलाई करनी है इसकी ध्यान से देखें और यहाँ से आपको देखिए जो फर्स्ट वाली ये लाइन नजर आ रही है यहाँ से इसको सीना है ये देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ यहाँ से पक्का कर लेंगे इसको ये देखिए ऐसे अब देखिए अगली चैन में से देखिएगा यहाँ से निकालते हुए और इस लाइन में हम इसको सिलाई करेंगे ये देखिए इजिली आपको चैन नजर आ रही होगी इसकी ये देखिए जहाँ से हमने फंदे बंद किए हैं यहाँ से निकालते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे ये देखिएगा ऐसे हर च, इधर से एक चैन लेंगे और इधर से इस तरह से करते हुए पूरा सिल देंगे हम इसको यहाँ से यहाँ तक और ये जो धागा है देखिए आपको नजर आ रहा है इधर ये इसको हम इसमें धागा डालते हुए इसको भी हॉल को बंद कर देंगे तो ये कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से सिलकर कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही प्यारा सा ये हमारा देखिए डोरमेट बनकर तैयार हुआ है इसको आप तो इजीली बना सकते हैं और कई कलर में भी आप इसको बना सकते हैं आप चाहे तो हर कली को अलग कलर से बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसे दो कलर में बनाया है और बहुत ही प्यारा बनाया है। बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है आप चाहे तो इसे इससे बड़ा भी बना सकते हैं फंदों का हिसाब आपको जोड़े की शक्ल में रखना है यानी कि टू टू के हिसाब से आपको फंदे रखने हैं बाईस फंदों पर बना सकते हैं चौबीस छब्बीस तीस चालीस जितने चाहे फंदों पर आप इस डोरमेट को बना सकते हैं तो कैसा लगा आपको मेरा डोरमेट का डिजाइन अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट एक नए थाल के साथ तब तक ये थैंक यू